लुक पाकिस्तानी तो हम बहुत क्लीन है, यू नो, पाकिस्तान में आपको कोई गंद नहीं नजर आया, बस फॉर्मल नहीं है। इधर हमें छुट्टियां करने के भी पैसे मिलते हैं दरअसल। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ने लगे हैं जो कि हमें स्टॉकहोम सिटी में लेके जाएगी। 20 मिनट्स में ट्रेन है। बहुत सुकून है भाई यहाँ पर, हर चीज़ जो है वो चिल है बिल्कुल, और खामोशी है, लोग सोफिस्टिकेटेड हैं, आराम आराम से बातें कर रहे हैं। और ये वही वाला स्टेशन है जो तेरी कम्युनिटी वाला है? हाँ, ये जो इसी, क्या नाम था उसका, जॉन्सबर्ग, जेकब्सबर्ग। ये क्या लिखा हुआ है सामने? ये सेंट्रल है बिल्कुल स्टॉकहोम का। ये सामने क्या लिखा है मुझे नहीं पता अभी, स्टार्थन। अभी सनी से मैं पूछता हूँ क्या लिखा है, किधर गया सनी, क्या लिखा हुआ है ये? स्टार्थन थिएटर सिटी थिएटर। लास्ट में तो उसके एन भी है, वो एन जो है ना वो आता। इसका क्या मतलब है इसका? सिटी थिएटर, स्टार्थन थिएटर। स्टार्थन, वेरी नाइस। इधर अक्सर ही ना जब आपने कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने वाला, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, कम्युनिटीज नहीं है, किसी चीज़ के बारे में भी, तो मोस्टली लोग इधर इधर जमा होकर प्रोटेस्ट करें, फिर हम भी कोई प्रोटेस्ट यहाँ पे आ तो गए। इधर पाकिस्तान के खिलाफ भी समटाइम होते हैं। नहीं, हम फिलिशिया को लेकर आते थे, नारे लगा उसने, नारे लगाते थे। ओके, और इसके अंदर क्या है? ये रेस्टोरेंट्स हैं बस, और कैफेज रेस्टोरेंट्स हैं। एक्चुअली इस बिल्डिंग का नाम है कल्चरल हाउस। ओके, तो अंदर हैं आपके लाइब्रेरीज हैं, और यहाँ रेस्टोरेंट कैफे है, और शॉप्स वगैरह भी हैं। इसकी बैक साइड पे सिनेमा है और थिएटर वगैरह, ये गवर्नमेंट ऑन करती है लोकल गवर्नमेंट जो है, डिफरेंट इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पर शॉप्स कितने हैं चलिए? ये मेट्रो है इधर की? ये है ट्राम। ये ट्राम है जो कि ऊपर गाड़ियों वाला ट्रैक ही शेयर कर रही है। ये हमारे घर तक नहीं जाती है? ये छोटे छोटे चलती है मोस्टली सिटी के अंदर। ओके, और चूंकि अब ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, तो इधर आपको हमेशा गंदी नजर आएगा, लोग जो है इधर ही फेंक ये आपने हर टूरिस्ट सिटी में ये नोट किया है, ये गंद पड़ा होता। सनी की सिटी कहीं पर भी थोड़ी गंदी नजर आएगी ना, वो प्रॉपर जस्टिफाई करेगा। या फिर कहीं पर थोड़ा सा भी सिस्टम खराब नजर आएगा ना, तो जस्टिफाई करेगा कि भाई हम ऐसे हैं नहीं है, लेकिन ये बस हो गया है। अभी मैंने नाम नहीं ले लिया किस कंट्री का डाला हुआ है गंद, बाकी समझ ही गया यार डाला हुआ है। पता नहीं कौन, लेकिन लुक पाकिस्तानी तो हम बहुत क्लीन है, यू नो, पाकिस्तान में आपको कोई गंद नहीं नजर आया। ये क्या चीज़ है? ओलियन सिटी शॉपिंग मॉल। ये जो रोड है ना, ये सारी स्ट्रीट, इसका नाम है द्रोतनिंग गौतम क्वींस स्ट्रीट। ये जो है ना, ये लाइक इसको आप बोलते हैं हार्ट ऑफ स्टॉकहोम, इस स्ट्रीट को सबसे सेंट्रल स्ट्रीट कौन सी है स्टॉकहोम की, वो ये वाली होगी। ये वाली यहाँ से दोनों साइड्स, मतलब ये एमएम आलम रोड है यहाँ, एमएम आलम रोड है ये। ये ट्रैक है, ओके, यार हमारे रास्ते में कोई शॉप आएगी, ये H&M आ गई है, मैंने कुछ शॉप्स भी देखी है, ठीक है, ज़ारा या H&M वगैरह भी देखना है। हम ना कुछ शॉप्स देखने के लिए आए थे, सनी कह रहे बंद हो गई हैं। ये टाइमिंग्स क्या, ये सैटरडे फ्राइडे को 10 से 8 बजे तक, सैटरडे को 10 से 7 बजे तक, 10 हैं, और संडे को 11 से 6 बजे। भाई हम लोग जो है ना, बहुत जो है ना लेबर फ्रेंडली कंट्री है ये, जो जो अस्पताल काम करते हैं, सफाई करते हैं, उनको भी वीकेंड एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए ना।
सनी मैं ना अपनी काफी ज्यादा सीवीज लेकर वो कपड़े भी हैं मेरे पास फॉर्मल नहीं है इधर हमें छुट्टियां करने के भी पैसे मिलते हैं दरअसल ये अंदर वो घूम फिर रही है तो अगर नौकर की रिक्वेस्ट कर दे नहीं यार नहीं सही है यार ये तो सनी पूछा था कि यहाँ पे इनकम टैक्स कितना था भाई में ब्रो कोई इनकम टैक्स नहीं है जीरो तो हमारे भी ज्यादा नहीं है यार हमारा भी मेरा कितना 57% इनकम टैक्स मैं अपनी सैलरी का हाफ से ज्यादा टैक्स देता हूँ ज्यादा तो नहीं है आई फील सॉरी ब्रो ऐसा ही लगा लूँ तो बेहतर इमेजिन इमेजिन 57% आपको 1000 में से 57% आपका गया साढ़े 400 जो है ना आप अपनी जेब में डाल दो बाकी 650 जो आप गवर्नमेंट भी वापस कर दो एक्चुअली ये सेम इस तरह की स्ट्रीट जो है शॉपिंग स्ट्रीट मोस्टली इसी तरह की या ये नाम है बेल्जियम में मोस्टली ब्रसेल्स में इसी तरह की थी कर दी अच्छा दैट्स व्हाई यू नो मैं क्या बोल रहा था तुझे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रिप करूँगा यूरोप का तो मुझे कुछ बड़ी सिटीज़ में मैं प्लान ही नहीं करूँगा मैं कोई जहाँ पर मतलब भेड़ बकरी हैं घोड़े हैं पैर तेरा बार बार आ रहा हो नहीं घोड़े छोड़े हो बंदा घोड़े छोड़े लाए वहाँ पर थोड़े मतलब नेचुरल लाइफ हो यार चलो कोई बात नहीं लेट भी आ जाए यार वहाँ सारी नेचुरल चीज़ें सारे दरख्त नेचुरल लगाए हुए हमने कोई रेट मतलब सही है यार क्या नाम है इस रोड का खुंग्स कॉटन ये अब यहाँ पे सिग्नल तो नहीं है कोई कोई सिग्नल नहीं अच्छा मुझे ना सनी बता रहा था कि यहाँ पर जो है ना कैश जो है ना लोग इतना लाइक नहीं करते हैं डिस्करेज करते हैं दे डोंट करेज स्पेशली उन्होंने लिखा होता है कि हम कैश रिसीव नहीं करते अगर आप देखो एग्जांपल लुक ये शॉप है एंड इन्होंने लिखा हुआ नीचे दिस इज अ कैश फ्री स्टोर यार ये तो क्लोथिंग शॉप है और लाइक इतना इतनी बड़ी स्टोर है यार ये तो उल्टा ही है लाइक अगर तुम पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान में तो क्रेडिट कार्ड नहीं चलते लोगों के पास में तो कैश आए सही है यार दो 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 नंबर ही करना आसान होता है क्योंकि आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ता सिस्टम है कि आपने कितना कैश रिसीव किया कार्ड थ्रू पेमेंट होगी तो वो सारा ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज से रजिस्ट्रेशन होगी कि आपकी कितनी सेल हुई है आपने कितनी इनकम की है कैश हो तो आप तो एंटर करने की सीधा जेब में भी डाल सकते हो या और उसके अलावा वो सारा जो है अगर आपका कैश पे सीन है तो वो आपको कैश गिनना बैंक में डिपॉजिट करना ये वो तो ये ज़्यादा ना आपको रिपोर्ट जनरेट करने कैश गिनने की ज़रूरत है कुछ ऐसे मच मोर ईजियर या इसलिए तो कहते हैं रोबोट्स जो हैं वो जल्दी जो है हमारी जॉब जो है वो ले लेंगे हमसे सोनी का तो तेरा काम यही है ना रोबोटिक्स वाला शैतान लग रहा मुझे ना नहीं परेशान हो रहा है नहीं मैं देख रहा हूँ शैतान लग रहे हैं यार ये है ना नहीं नोबेल प्राइज वो होता है यार जो आपके कंट्री वाले नहीं नहीं यार गवर्नमेंट लेवल पे नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज होता है पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट है ना उनमें से जिसने सबसे बेस्ट हर साल परफॉर्म किया होता है ना डिफरेंट एरियाज लाइक मैथमेटिक्स में इकोनॉमी में बायोलॉजी में केमिस्ट्री में लिटरेचर में पूरी दुनिया में जो है जो टॉप होते हैं ना हर एरिया का उसको वो मिलता है नोबेल प्राइज पूरी दुनिया के मतलब यहाँ पर होता है
हाँ, वो नोबेल प्राइज की जो होती है ना कमेटी, वो डिसाइड करती है पूरी दुनिया से, वो लोगों को एप्लीकेशन रिसीव करती है, उनके काम को देखती है, वो जो टॉप होते हैं ना जो जीतता वो उसकी सेरेमनी है। लेकिन वो तो उसको भी मिला था ना नोबेल प्राइज पाकिस्तान की मलाला को, मलाला भट्ट को, पीस का मिला था। एग्जैक्टली, तो उसको यहाँ पर मिला था, उसको नॉर्वे में मिला था। जो पीस वाला प्राइज होता है ना नोबेल पीस प्राइज, वो नॉर्वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉर्वे में जो इस तरह का रॉयल थिएटर बना हुआ। बाकी सारे यहाँ पर होते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो नोबेल प्राइज है ना वो मैं यहाँ पे आके यहाँ पर आके देगा मुझे, वो मैं यहाँ पे आके लूँगा तस्वीरें, मेरा मतलब तो नोबेल प्राइज मिलेगा। और ये क्या है, फिल्म आर्टिफिशियल चीज है यार, वहाँ पर हर बिल्डिंग में मार्केट बना हुआ। तो सिनेमा भी तुमने दुबई से कॉपी किए होंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये सारी टेक्निक सिनेमा की दुबई में शुरू हुई है। इस टेक्नोलॉजी सारी उधर ही प्रोड्यूस हुई थी यहाँ पर वो लेकिन हम लोग के सिनेमा भी सही है, अच्छे हैं। बट सनी कह रहा है कि यहाँ पे गंद क्यों पड़ा हुआ है। वो यहाँ पे भी जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे ना गंद थोड़ा ज्यादा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे लोग ना सब्जियों के फ्रूट्स वगैरह के स्टॉल लगाते हैं, वो वापस लेके जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन लगाता है स्टॉल वो वाला। स्वीडिश ही लगाते हैं ना, और कौन लगाते हैं, खरीदने वाले स्वीडिश ही होते हैं। ये भी शॉपिंग मॉल, अच्छा शॉपिंग मॉल है ना, उसको मेंटेन किया, उसको नहीं उन्होंने, यानी कि ताटू के नवा नहीं बनाया। या अभी इसका ये जो सारी विंडोज नजर आ रही है, अंदर से सारा मॉडर्नाइज होने का टोटल किया जाएगा, बाहर से मेरा कोई चीज नहीं है। ये जो सारी इसमें विंडोज नजर आ रही है, ये सारा शॉपिंग मॉल ही है? दो तीन फ्लोर पे शॉपिंग मॉल है, फिर ऊपर ना कंपनीज, मोस्टली फाइनेंस रिलेटेड, मतलब उनके ऑफिसेज वगैरह हैं। ओके, और ये तो उन्होंने वो इस तरह बनाया हुआ है टाइम स्क्वायर की तरह, एक की तस्वीर लगी हुई है, ये स्क्रीन लगी हुई है, ये स्वीडन का टाइम स्क्वायर है। इधर से कैमरा शुरू होता है, इधर खत्म होता है, या ये इसी से शुरू होता है, ये पे खत्म हो जाता है। यार ये इन लाइटों का क्या कॉन्सेप्ट है सनी? इन लोगों ने ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये इन्होंने वो खंभे वाली क्यों नहीं लगाई होती, ये क्यों लगाई होती है? खंभे वाली क्यों लगाई होती? क्या खंभे वाली इसलिए नहीं लगाई होती क्योंकि वो खंभे पे टक्कर किसी की टक्कर मतलब ये भी पहले की लगी हैं तो बस चेंज नहीं किया उसको। उधर वाली स्ट्रीट लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं यार। नहीं यार, स्ट्रीट लाइट मैंने और भी कंफ्यूज में, अब अगर वो जाते जाते वो आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो जाए तो डायरेक्ट जाके खंभे में लग जाए, जाते जाते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए खंभे में लग जाए ना। ये खंभे जो है ना ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। यहाँ पे अब टैक्स पे करना पड़ता है, कंजेशन हर गाड़ी को टैक्स पे करना पड़ता है। हाँ, बोथ एंटर होते हुए और एग्जिट होते हुए, सिर्फ एक ही दफा होता है ना वो? आप जब नहीं, जितनी दफा एंटर हो गए जितनी दफा एग्जिट हो गए, राइट? तो या तो हम लोग के जहाँ पे दुबई में एक रोड पे पांच दफा पे करना पड़ता है, कितनी दफा के दौरान चक्कर ये है कि हम लोगों को यहाँ पे हम वैसे इतना टैक्स पे इनकम टैक्स पे करते हैं तो लोग वो शो डालते हैं कि हम इतना इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप फिर भी हमसे एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे होते हैं, तो उसके बाद से वो हमारे लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर ना स्टॉकहोम में आपके रोड पे स्पीड कैमराज नहीं है गाड़ियों के, और ये अभी एक कैमरा सामने आपको पुलिस का नज़र आ रहा है भी कैमरा नहीं पकड़ते हैं वो जो हमारे थे ना कचूरू सदी वो वाली बिल्डिंग थी। ओके, वो जो सिनेमा वाली थी बड़े जो या करने की कोशिश कर रहा था। ओके, उस वाली बिल्डिंग क्या आगे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ओके इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, लॉ फर्म्स है, और ये क्या शॉपिंग मॉल भी है, लेकिन ये जो एरिया है ना ये यहाँ की जो अपर क्लास है ये वाली बिल्डिंग है नहीं स्पाई। अच्छा, ये स्पाई बार ये होटल शोटल ही होगा सर, है ना? तो अच्छा यार, दिस इज नाइस। ओके,
ओके वो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में ही काम मोस्टली काफ़ी रिच लोग रहते हैं स्टार्स वगैरह रहते हैं एक्ट्रेस वगैरह भी रहते हैं अच्छा लेकिन है सारे अपार्टमेंट्स लेकिन लोगों के लग्जरी बड़े बड़े बाहर से इस तरह की लगते हैं पुराने बट अंदर से उन्होंने और ये सारे ब्रांड्स भी यहाँ पे है ना बड़े ब्रांड्स भी होंगे और यहाँ पे लाइक स्टार्स को भी बड़ा शौक है अपार्टमेंट्स बनाने का हाँ एक्ट्रेस को भी बड़े घर रखने का शौक नहीं छोटे घर लेकिन लग्जरी अपार्टमेंट्स